सबसे पहले समोसे के लिए हम स्टफिंग बनाएंगे, तो उसके मसाले के लिए मैंने पैन में 2 टीस्पून ऑयल ले लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़े से मूंगफलियाँ डालेंगे, कच्ची मूंगफली डाल रहे हैं। मूंगफली को हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, थोड़ी सी हल्की फ्राई हो जाए। हल्की फ्राई होने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे हमारी एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ। अब इसमें हम डालेंगे आधा बोल मटर के दाने। अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें डालें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक। अब हमें मटर पकने तक के लिए इंतज़ार करना है। हम इसे धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम ढक के पकाएंगे। हल्का सा गोल्डन हो गया है, मटर दाने हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे थोड़े से मसाले। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, 3/4 हम डालेंगे इसमें पेपर पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। 30 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। सॉटे करने के बाद हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। मैंने आलू 2 से 3 मीडियम साइज के लिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें डालेंगे खटास। खटास के लिए हमने डाला है अमचूर पाउडर। अब डालिए बारीक कटा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। समोसे के लिए स्टफिंग हमारा पूरी तरह से तैयार है। अब हम बनाएंगे समोसे। प्लेट में हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे, इतना कि हमारा पापड़ उसमें डूब सके। अब मैंने इसमें पापड़ लिया है, मैंने ये प्लेन पापड़ लिया है। इसे हम इस तरह से पानी में भिगो देंगे। इसको 2 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। आप चाहे तो मसाला पापड़ भी ले सकते। भिगो के हमने 2 मिनट तक रख लिया है। अब इसे इस तरह से निकाल लेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसके साइड में यहाँ पर एक स्लेट डालेंगे, इसको काट देंगे इस तरह से, ताकि हमारा समोसे का शेप अच्छे से आए। ये हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है। अब देखिए, मैंने इसको जो पापड़ है हमारा, इस पापड़ का एक साइड में हल्का सा कोना इस तरह से स्ट्रेट काट दिया है, जिससे हमारा समोसे का शेप आ सके। तो इसे काट के फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके एक कोन बना देते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने कोन बना दिया है। अब इस कोन को चिपकाने के लिए मैंने मैदे का एक अच्छा सा गाढ़ा घोल तैयार किया है और अब इस मैदे से हम इसको इस तरह से लेकर चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैदा साइड में लगाएंगे ताकि साइड चिपक चिपक जाए। कोन तैयार है हमारा। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। अब इसमें हम इस तरह से फिल करेंगे। फिल करने के बाद इस लेयर पे भी हम जो है मैदा लगा देंगे इस तरह से चारों तरफ मैदे की लेयर लगा के। जो अंदर वाली लेयर है इसको इस तरह से चिपका देंगे और जो ऊपर वाली लेयर है इसे इसको बंद कर देंगे। बस हमारा समोसे का शेप तैयार है। अब इसे हम हॉट ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। पैन में हम ऑयल गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गरम होता है इसमें हम हमारा पापड़ डाल देंगे। पापड़ को पकने में ज़्यादा देर लगता नहीं है, तो ये हमारा पापड़ समोसा तैयार हो गया। इसके अलावा हम एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे पापड़ बने हुए हैं इन्हीं को हम डिप करके भी ले सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 स्पून जो है मैदे का घोल बनाया है। आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा ही है, ज़्यादा पतला नहीं किया है मैंने। तो स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब हम इस समोसे को इसमें डिप कर देंगे। अब इस डिप समोसे को हम तल के ले लेंगे। अगर आप मसाला पापड़ ले रहे हैं तो आप इसे डिप ज़रूर करें, ताकि इसका जो पापड़ का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब हमारा समोसा पूरी तरह से तैयार है।